हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन वार स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग CIPET JEE 2020 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, तो कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो मैं बताने वाला हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम चलता है कि CIPET JEE का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाता है, उन्हें ये भी नहीं मालूम चलता है कि कैसे रिलीज़ हो गया है, कब रिलीज़ हुआ है, कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको कि CIPET JEE का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को सही वेबसाइट नहीं मिलती है डाउनलोड करने की, और सही वेबसाइट ना मिलने के वजह से वो गलत वेबसाइट पे जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। जब डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं, काफ़ी एकदम वरीड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ आप सेम टू सेम करेंगे और सही वेबसाइट पर पहुँचेंगे और डाउनलोड करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ पे CIPET JEE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले यहीं पर आती हैं। बात सिर्फ आज की नहीं है, बात है सिर्फ एडमिट कार्ड की नहीं है, बात रिजल्ट की नहीं होगी, बात काउंसलिंग की नहीं, बात है अगले जो 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करने वाले हैं आप अगले CIPET के अंदर। तो जो भी आपकी पढ़ाई होगी, जैसे आपके सेमेस्टर्स होंगे, आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे, उसके रिजल्ट निकलेंगे, आपके HOD कौन है, नए HOD कौन आए हैं, नए आपके डीन कौन है कॉलेज के, नए डायरेक्टर कौन है, नया प्रिंसिपल कौन आया है, कॉलेज में इवेंट्स कब होने वाले हैं, एनुअल डे का क्या प्लान है, एनुअल डे में कौन कौन से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, फेस्ट कब है, टेक्निकल फेस्टिवल कब है, उसके साथ साथ कॉलेज में वैकेशंस कब होने वाले हैं, हॉलीडेज़ कब आने वाले हैं, नए हॉलीडेज़ की लिस्ट क्या है। तो जो भी अपडेट्स कॉलेज की आएगी आपके CIPET के यूनिवर्सिटी की, वो सबसे पहले इसी चैनल पे आती है। तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कैसे सर्च करना है वो मैं बता दूँ। सब्सक्राइब करने का रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी आगे फ्यूचर में अपडेट्स आएगी CIPET की वो सबसे पहले इसी चैनल पर आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से गलत वेबसाइट पे चेक करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है उनको सारे अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे वही लिखना है जो मैंने लिखा है। आपको लिखना है CIPET JEE 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ CIPET JEE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वहीं पर आती है। तो मेक श्योर करें कि आप वही लिखेंगे, कुछ भी अपने मन से लिखेंगे। तो IAS पेपर लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे सर्च करेंगे, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, आप नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं CIPET JEE 2020 और IAS पेपर लिख दिया आपने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप IAS पेपर आ चुका है, 31 जुलाई तक इसका जो एप्लीकेशन था, अब जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। इसे ओपन करेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसे। तो ये ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन चल ही रहा है फिलहाल, तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो CIPET का जो एडमिट कार्ड है वो 31 जुलाई को रिलीज हो चुका है। ओके, तो CIPET का जो एप्लीकेशन वो लास्ट 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आप, यानी आज के दिन तक, पर एडमिट कार्ड भी आज ही आ गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सामने आपके फॉर्म आया आप इसे ज़रूर भर दें। आपको यहाँ पे अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं तमिलनाडु का हूँ, तमिलनाडु पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं। तमिलनाडु के कहाँ के हैं, तो मैं तमिलनाडु के एरोडे का हूँ। अगर एरोडे के हैं तो भी आपको, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव में रहते हैं तो भी आपको ये लिखना है। खैर, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव का लड़का हूँ, काफ़ी दुर्गम इलाके में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी सारी सुविधाओं का अभाव रहने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूँ, वैल्यूएबल वीडियोज़ बना सकूँ। तो मेक श्योर करें कि आप इसे ज़रूर चेक कर लें, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरेस्टेड में एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंटरेस्टेड हूँ इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करूँगा, आप जिसमें भी आप उस पर क्लिक करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, आपकी जो भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो 12th की है तो उस पर क्लिक करना है, और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, CIPET से JEE से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, पर जो परसीव वैल्यू, जो वैल्यू मिलेगी आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको एक नहीं करीबन 10-15-20 कॉलेजेस से ऑफर्स आते रहेंगे। वो बुलाएंगे आपको, अब बोलेंगे वो लोग आपको कि आप चाहें तो हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब वो बोलते हैं, आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, पहली क्वालिटी, दूसरी चॉइस, और तीसरा सिलेक्शन। जब क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन, ये तीनों चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं तो आपको एक बेहतर सा रिजल्ट मिलता है, एक बेहतर आउटपुट मिलता है, और वो आउटपुट जो होता है उसी से आप अपना करियर डिसाइड करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को फिल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगने वाला है। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CIPET JEE नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी एडमिट कार्ड अवेलेबल है। CIPET का एडमिट कार्ड 31 जुलाई को आ चुका है। उससे पहले बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन है जो 5 अगस्त को होने वाले, उसकी रिवाइज शेड्यूल आ चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, हर एक चीज़ के बारे में A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो इसे आप जैसे इस पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमें CIPET का एडमिट कार्ड जो है वो
रिलीज़ हो गया है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ के बारे में ए टू जेड दिया गया है, एडमिट कार्ड के बारे में स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, जैसे डिटेल्स हो गए, एडमिट कार्ड पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, कोई भी स्टूडेंट बिना एडमिट कार्ड के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। लास्ट ईयर की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना आई डी प्रूफ के गए थे, उनको नहीं जाने दिया, तो मेक श्योर करें कि आप एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ओरिजिनल गवर्नमेंट आई डी प्रूफ भी लेके जाएँ, आपके कॉलेज का आई डी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म भर दें, अपना फुल नाम, ईमेल आई डी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ओके, यहाँ पे अपना फुल नाम, फोटोग्राफ, मदर का नाम और एग्जामिनेशन का डेट, एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन का एड्रेस, सेंटर का एड्रेस, सिग्नेचर आपका, ये सब कुछ लिखा रहेगा वहाँ पे आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ, कॉलेज आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप इसे ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई ए टू जेड, हर एक इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ पे दिए गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी आई पी ई टी जे डबल 2020 एडमिट कार्ड हैज़ बीन रिलीज ऑन 31 जुलाई, क्लिक किया टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो ये ओपन होने में कभी कभी टाइम ले लेता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड योर एडमिट कार्ड नाउ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, ओके, योर लॉगिन विंडो, ओके, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी लॉगिन आपने किया था, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी आपने लिखा था, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा था वहाँ पे एक्जैक्टली सेम लिखना है आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो आपने दिया था, तो यहाँ पे आप जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है आपने, ये कैप्चा लिखना ज़रूरी है, जो भी कैप्चा है आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिट कार्ड आएगा, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, जनरल इंस्ट्रक्शन, सैंपल फॉर्म्स, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके आपका एडमिट कार्ड सामने आएगा और डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आ चुका है, मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी वैल्यू दी तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।